ଆସିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ। ତେବେ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତ ଆସିଥିବା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଭାରୀ ଡି ପୁରନ୍ଦେଶ୍ୱରୀ ଆଜି ପୁରୀ ଗସ୍ତରେ ଆସିଛନ୍ତି। ପୁରୀ ଗସ୍ତରେ ଆସି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ପତିତ ପାବନଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ଡି ପୁରନ୍ଦେଶ୍ୱରୀ। ତାଙ୍କ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ପୁରୀ ବିଧାୟକଙ୍କ ସମେତ ଅନେକ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ତେବେ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସିଥିବା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଭାରୀ ଡି ପୁରନ୍ଦେଶ୍ୱରୀ ଆଜି ପୁରୀ ଗସ୍ତରେ ଆସିଛନ୍ତି। ତେବେ ପୁରୀ ଗସ୍ତରେ ଆସି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ପତ୍ୟବାବୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ଡି ପୁରନ୍ଦେଶ୍ୱରୀ। ତାଙ୍କ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ପୁରୀ ବିଧାୟକଙ୍କ ସମେତ ଅନେକ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ତେବେ ସମ୍ପର୍କିତ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆମ ସହିତ ପୁରୀ ସିଧାସଳଖ ଯୋଜନା ପ୍ରତିନିଧି ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷ। ଆଲୋକ, କିଭଳି ସେଠାକ ଦୃଶ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସିଥିବା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଭାରୀ ଡି ପୁରନ୍ଦେଶ୍ୱରୀ ଆଜି ପୁରୀ ଗସ୍ତରେ ଅଛନ୍ତି? ନିଶ୍ଚିତ ବିସ୍ମି, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଭାରୀ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ଡି ପୁରନ୍ଦେଶ୍ୱରୀ ଆଜି ପୁରୀ ଗସ୍ତରେ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ପୁରୀ ଗସ୍ତରେ ଆସିକରି ମହା ପତିତ ପାବନକୁ ଅରୁଣସ୍ତମ୍ଭ ପାଖରୁ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ସେବାୟତ ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ତରୀୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନେକ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ଅଛନ୍ତି। ଲେଖାଶ୍ରୀ ସାମନ୍ତ ସିଂହାର ଅଛନ୍ତି, ପୁରୀ ବିଧାୟକ ଜୟନ୍ତ କୁମାର ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଆଶ୍ରିତ ପଟ୍ଟନାୟକ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଡି ପୁରନ୍ଦେଶ୍ୱରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। थोड़ा नीचे कीजिए, मैम क्या कहेंगे, मुझे अब तक खुला नहीं हुआ है लेकिन केंद्र सरकार ने मंदिर खुला है लेकिन बात कर चुकी है। नहीं, देश में, देश भर में जहाँ पे भी बड़े बड़े मंदिर है, जैसे हमारे प्रदेश में बालाजी का भी मंदिर है, उसे तो खोल लिए हैं और वहाँ हर रोज 25,000 to 30,000 भक्तजन आते हैं वहाँ दर्शन के लिए। तो यहाँ जगन्नाथ जी का मंदिर नहीं खोलना ये खिलवाड़ है यहाँ के लोगों के साथ। और हम बीजेपी की तरफ से हम डिमांड करते हैं जैसे कि जल्द ही जल्द मंदिर को खुलवाएं और इसी के साथ मंदिर के जो भी प्रॉपर्टीज़ होते हैं, हमें यहाँ ज्ञात हुआ कि यहाँ के जो जगन्नाथ मंदिर जी के जो भी धर्मशाला है उसको बेचने का तो तैयारी बेच दिए हैं, जिसपे हमारे यहाँ के सांसद जो लड़े संबित पात्रा वो भी कोर्ट में गए। इसलिए हम डिमांड करते हैं बीजू पटनायक जी से, सॉरी नवीन पटनायक जी से, कि वे जल्द ही जल्द मंदिर को खोलें और प्रभु के जो भी प्रॉपर्टीज है उन सबका संरक्षण करें। कर्मकर्ता के लिए आपका क्या संदेश है जी? पूरी जिला कर्मकर्ता के लिए आपके क्या संदेश? नहीं, हम यही कहते हैं, वो तो भगवान के सेवा में ही जुटे रखते हैं, तो हम यही कहते हैं कि वो सावधान रखें और अगर ऐसा कोई बात है तो यहाँ के जो हमारे नेता लोग हैं उनके संरक्षण में, संज्ञान में अगर लेके आएंगे तो जरूर हम उनके साथ खड़े हो जाएंगे। जाने के लिए आपके क्या प्लान है, यहाँ के जाने के बाद आपके क्या प्लान है? पूरी का नहीं, मैं तो ओडिशा की प्रभारी बनकर आई हूँ। ओडिशा में भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाने का काम हम कर रहे हैं। जरूर भारतीय जनता पार्टी को यहाँ खड़ा करेंगे और 2023 में हम सत्ता पे आने के लिए जरूर उसकी ओर हम काम करेंगे और कृषि करेंगे। निश्चित विषय आपण जहाँ शुणुते आम सहित थे डी पुरंदेश्वरी जी ओडिशा प्रभार रही सीधा सड़क कहींपर बर्तमान श्रीमंदिर खोला ना बर्तमान और श्रीमंदिर खोलने बर्तमान से कड़ा आह्वान देते राज्य सरकार को तुरंत युद्धकालीन भितर श्रीमंदिर खोल जाए कारण देशर समस्त धर्मानुष्ठान गुड़िक खोली सारे केन्द्र सरकार गाइडलाइन अनुजाई बर्तमान किंतु श्रीमंदिर बंद रही। तेज निश्चित भाव में भारतीय जनता पार्टी दाबी रही श्रीमंदिर खोलने को। आउ गोटे कथा से उठे बगल धर्मशाला को जबली भाव में पूरी जिलापा 6 जन विस्थापित लजिंग मालिक को चंचकत कर बिक्री करते से क्षोभ प्रकाश करते कि बर्तमान आम कहीपर पूरी आज किसी आगामी प्लां ना। आप देखुं सीधा सड़क दृश्य ये होती डी पुरंदेश्वरी भारतीय जनता पार्टी ओडिशा प्रभारी और आज अरुणस्तंभ पाखु ब्यारिकेड अरुणस्तंभ पाखु महाप्रभु प्रथित बाबन को दर्शन करते सहित अनेक पूरी जिलार कर्मकर्ता अच्छा लेखाश्री सामंत सिंगार अच्छा पूरी विधायक अच्छा तो निश्चित भाव में कौटना कौटी राज्य सरकार को गोटे टार्गेट करोभर समस्त धार्मिक अनुष्ठान गुड़िक खोल कितु राज्य सरकार बर्तमान सुधा श्रीमंदिर खोली ना जहाँ को नहीं सी क्षोभ प्रकाश कर तुरंत श्रीमंदिर खोल को गोटे प्रकार दाबी कर ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଭାରୀ ହେଲେ ସେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି ଡି ପୁରନ୍ଦେଶ୍ୱରୀ ଓଡ଼ିଶା ଆସୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଆଗାମୀ ଯଦି କହିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବାହାରୁ ମଧ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ, ଯାହା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ, ସେ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି କି ଯଥାଶୀଘ୍ର ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ଖୋଲାଯାଉ, କ'ଣ ଲାଗୁଛି ୟା ପରେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ସରକାର ଏପରି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ?
देखो तो आमे जदि कहिबा डी पुरंदेश्वरी जो सीधा सड़क राज्य सरकार को टारगेट करछंती एवं जेहेतु देशर विभिन्न धर्मानुष्ठान गुड़ी तो खोलिलानी कोविड लाइन न कटकणा मुताबक खोलिलानी से मध्ये कहउछंती श्रीमंदिर खोले जो किंतु जो प्रश्न आपण पचारले निश्चित भाव में राज्य सरकार यहाँ पर दृष्टि देवे कारण आज आप जानते दिन 12टा बेले स्थानीय भक्त निवास में छतीसा निजक एक गुरुत्वपूर्ण बैठक अनुष्ठित हेब श्रीमंदिर मुख्य प्रशासक डॉक्टर किशन कुमार पुरी जिलापाल पुरी एसपी एवं समस्त सेवायत निजक प्रतिनिधि मैंने उपस्थित रहेंगे विशेषकर आज श्रीमंदिर खोलिया नहीं कि गुरुत्वपूर्ण आलोचना हो पारे निश्चित भाव तो आलोचना हम हो पारे नुह निश्चित भाव आलोचना हम कारण से फटो में सीधा सीधे कपी दि जाइए श्रीमंदिर प्रशासन कार्यालय तार 4 नंबर पॉइंट में उल्लेख रही दर्शनार्थी निम्ते श्रीमंदिर खोलिया नहीं कि विधि व्यवस्था करा तो निश्चित भाव में आज बैठक टी अत्यंत गुरुत्वपूर्ण विस्मी बहन करुच्ची आज बैठक में निहाती भाव में श्रीमंदिर खोलिया उपर बर्तमान विस्तृत भाव आलोचना किभली भाव में श्रीमंदिर खोल भक्त श्रद्धा दर्शनार्थी तीर्थयात्री कौन गाइडलाइन रही है कोरोना कटक भितर कि भाव में महाप्रभु को दर्शन करेंगे से नहीं आज विस्तृत भाव में आलोचना केवल आज श्रीमंदिर खोलिया नहीं कि आलोचना करें आप जानते 15 तारीख में धनु संक्रांति अनुष्ठित हे और धनु संक्रांति दिन महाप्रभु पहली भोग लगे परंपरा रही से पहली भोग दीर्घ 1 मास काल लगे अर्थात धनु संक्रांति ठार मकर संक्रांति पर्यंत पहली भोग लागू हम तार नीति निर्घंट आज अनुमोदन हो जो देवाभिषेक पूर्णिमा पड़ी 28 तारीख में से देवाभिषेक पूर्णिमा नीति निर्घंट चूड़ांत समस्त नजर रही विस्मी आज छतीसा निजक बैठक में श्रीमंदिर खोलिया प्रसंग में डॉक्टर मुख्य प्रशासक डॉक्टर किशन कुमार कौन गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति नौकर समस्त सेवायत आशा अच्छी समस्त भक्त आशा अच्छी आज बैठक में एक सकारात्मक निष्पत्ति बाहर एवं किभली परिस्थित श्रीमंदिर खोल जापर भक्त श्रद्धा मैंने किभली भाव कोरोना गाइडलाइन अनुजाई महाप्रभु को दर्शन करेंगे समस्त नजर रही आज बैठक में जहाँ निष्कर्ष बाहर विस्मी परिचालना कमिट तापर मोहर मार बोध हुए आम आशा करुच्छू जानुरी पहलू अर्थात नुआ वर्ष श्रीमंदिर खोल जापे जहाँकि जगन्नाथ प्रेमी गोटे बड़ खुशी खबर निश्चित भाव विस्मी आज बैठक टी अत्यंत गुरुत्वपूर्ण निहतर आज बैठक उपर समस्त नजर रही बहुत धन्यवाद आलोक आप समस्त सूचना पाई।